बसमिल डियर स्टूडेंट आज इनशा हम डिस्कस करेंगे आई uh, टी आपका जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर थ्री दैट इज़ सिक्योरिटी एंड सेफ गार्डिंग योर वर्क चैप्टर नंबर थ्री का टाइटल पेज आपके सामने विजिबल है इसको इनशाला हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट्स में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ पहले कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है नंबर वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रेलिट कुछ बातें हैं उसको इनशाला हम डिस्कस करेंगे फिर तो उसके बाद विंडोज़ के अंदर कुछ कंप्यूटर को सिक्योर करने उसके अंदर जो डाटा वगैरह है उसको सिक्योर करने के कुछ फीचर्स हैं उनकी डिस्कशन है ये सारा चैप्टर असल में कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रेलिवेंट है कंप्यूटर और उसके अंदर जितना भी डाटा है उसको सिक्योर करने से रेलिवेंट है और एक बात और याद रखिएगा इस चैप्टर में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे जितनी भी सिक्योरिटी की मैयर्स पढ़ेंगे डाटा को सेफ करने की सिक्योर करने की जो मईर्स हैं जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे के सारे कंप्यूटर्स को जो आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हैं और कॉन्टीन्यूसली इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इससे वो बाहर वाले कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्टेड हैं तो उनको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए आ, क्या क्या मैयर्स कंपनी को लेनी पड़ सकती हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन है एक इंडिविजुअल कंप्यूटर मिसाल के तौर तो पर अपने घर में एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है किसी और सिस्टम से भी कनेक्टेड नहीं है तो उसमें कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं आ सकता ना तो उसमें कोई कहीं से वायरस आएगा ना को ना कोई उसे हैक कर सकता है तो सिक्योरिटी के इश्यूज आमतौर तो पर, पर उन कंप्यूटर्स को आते हैं जो एक्सटर्नल कंप्यूटर्स uh, के साथ अदर कंप्यूटर्स के साथ किसी न किसी वाले से कनेक्ट होते हैं तो चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे सिस्टम आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली uh, वो इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनमें इश्यूज़ आ सकते हैं तो उसको हम देखेंगे इन कि वो इश्यूज़ क्या होंगे और फिर उनको सॉल्व कैसे करना इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर मेन यही डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी में फर्स्ट जो डिस्कशन है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी से रेलिवेंट ही है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब इट्सल्फ क्या है ये देखिएगा यहाँ पे इस पहली लाइन को पढ़ते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी इन कारपोरेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से मुराद ओवरऑल कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात हो रही है कि ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी भी मुराद है एंड डेटा दैट दे स्टोर और एक्सेस उनके अंदर जो डेटा वगैरह मौजूद है या वो एक, या कहीं से डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो उस डेटे को और ओवरऑल कंप्यूटर्स को सिक्योर करना इसे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं इसको डिस्कस किया गया आगे यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर्स uh, को सिक्योर करना उसके डाटा को सिक्योर करना ये क्यों इंपॉर्टेंट है गिवन द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स देयर सिक्योरिटी इज़ क्रिटिकल प्रायोरिटी इन दी मॉडर्न वर्ल्ड बिजनेस मस्ट टेक कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरियसली ऑर्गेनाइजेशनस को बिज़नेस को कंप्यूटर की सिक्योरिटी को एक सीरियस इशू के तौर पे लेना चाहिए अगर वो सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट नहीं करेंगे उनका डाटा डैमेज हो सकता है वो डाटा उनका चोरी भी हो सकता है कॉन्फिडेंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो इसलिए इसको इस एरिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी के एरिए को ऑर्गेनाइजेशन को बिज़नेस को सीरियसली देखना पड़ेगा आजकल के इन्वायरमेंट के अंदर ख़ास तौर पर यहाँ पे डिस्कशन यही है कंप्यूटर सिक्योरिटी के मतलब यही डिस्कशन है इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा आगे नेक्स्ट दी इंटरनेट लिखा हुआ है कि इंटरनेट असल में मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का भी और कंप्यूटर की सिक्योरिटी को जो इश्यूज़ बनते हैं इश्यूज़ जो आते हैं Uh, उसका भी मेन सोर्स इंटरनेट ही है आमतौर पर जो वायरसेज आते हैं या कंप्यूटर अगर हैक हो जाता है हैक को हम डिस्कस करेंगे भी क्या होता है तो ये ज़्यादातर इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले सिस्टम के साथ ही ये प्रॉब्लम आते हैं द इंटरनेट इज़ अ पर्टिकुलरली रिस्की एरिया इंटरनेट से कनेक्ट होकर काम करना ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में यही इन्वामेंट होता है कि सारे सिस्टम्स इंटरनेट से भी कनेक्टेड होते हैं एक कंपनी उसकी बेशुमार ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें तो एक ब्रांच के सिस्टम दूसरे ब्रांच के अंदर पड़े हुए सर्वर्स को एक्सेस Uh, करना है एक डाटा अगर उन्होंने एक्सेस करना है हेड ऑफ़िस उसका मिसाल के तौर तो पर कराची में है बाकी अदर सिटीज़ में ब्रांचेज़ हैं तो यहाँ हर ब्रांच के अंदर जो सिस्टम पड़े हुए हैं उन्होंने वो हेड ऑफिस के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो सारे आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू वायरलेस मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं तो उस कनेक्शन की वजह से फिर उन्होंने ऑबियसली ऑनलाइन भी काम करना है डाटा वगैरह शेयर करना है ईमेल्स को चेक करना है इस तरीके से वो इंटरनेट को, को इस्तेमाल करने भी करने की भी उन्हें कॉन्टीन्यूसली ज़रूरत पड़ती रहती है तो सिस्टम जो हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू काम कर रहे होते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होकर काम कर रहे होते हैं तो इंटरनेट एक रिस्की एरिया है वहाँ से बेशुमार प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आ, उसके बाद लिखा हुआ है रिस्की एरिया रिजल्टिंग इन फर्म्स एम्प्लॉइंग हाईली सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सच एज़ फायर वॉल्स एंड वायरस प्रोटेक्शन इंटरनेट चूँकि रिस्की एरिया है इसलिए कंपनीज़ को इंटरनेट से आने वाले जो रिस्क हैं रिस्क का, का मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह तो उनको अवॉइड करने के लिए उनसे बचने के लिए क्या करना पड़ता है सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी मईर्स बड़े एडवांस लेवल के सिक्योरिटी मईर्स जो है ना अडॉप्ट करने पड़ते हैं जैसे फायर की एग्जांपल उसने दी है वॉल्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की एक्सेस को अनऑथोराइज पर्सन जो उसको एक्सेस कर सकते हैं उसको रोकने के लिए फायरवॉल्स सॉफ्टवेयर uh, होते हैं ये इंस्टॉल किए जाते हैं इनक्रप्शन भी एक टेक्निक है जिससे आप डाटा को सिक्योर कर लेते हैं वायरस प्रोटेक्शन वायरस से बचने के लिए भी डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स जैसे एंटी वायरस सॉफ्टवेयर वगैरह का इंस्टॉल करना रेगुलरली उनको अपडेट करना तो ये सारे मेजर्स कंपनीज़ को अडॉप्ट uh, करने पड़ते हैं <laughs> अगर ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इंटरनेट के ज़रिए से कंप्यूटर uh, हैक भी हो सकते हैं अब हैक क्या होता है ये देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल हैक्ड कंप्यूटर अगर कंप्यूटर हैक हो गया ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन सर्वर जिसके ऊपर सारा डाटा पड़ा हुआ है और सारे के सारे क्लाइंट्स का क्लाइंट्स uh, उसके साथ कनेक्टेड हैं और वो भी अपना सारा डाटा इसके ऊपर रख रहे हैं तो अगर खुदा ना खास्ता किसी भी कंपनी का मेन कंप्यूटर जो सर्वर है वो अगर हैक हो जाए तो uh, उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कंपनी को अब हैक हो जाना इसका क्या मतलब है कंप्यूटर दैट हैज़ बीन एक्सेस्ड विदाउट आउट ऑथोराइजेशन कोई भी कंप्यूटर नेटवर्किंग uh, के थ्रू कोई एक्सटर्नल पार्टी कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडिविजुअल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू नेटवर्किंग कनेक्शन के थ्रू uh, वो एक्सेस कर लेते हैं अनऑथोराइज वे में ऑथोराइज नहीं है वो उसको इजाजत नहीं है ऑब्वियसली इस सिस्टम को एक्सेस करने की तो वो कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करता है कि वो उस सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं अपने सिस्टम पर बैठ के जहाँ पर भी वो है तो वो एक्सेस करके तो उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह और डाटा वगैरह देख सकता है और उसको ख़राब भी कर सकता है प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से तो अगर कंप्यूटर हैक हो जाए किसी भी कंपनी का उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ये प्रॉब्लम नीचे लिखी हुई हैं रिकॉर्डेड की स्ट्रोकस एंड स्टोलन पासवर्ड्स कोई भी सिस्टम अगर हैक हो जाता है तो वो उस सिस्टम पर बैठ के जो बंदा काम कर रहा है वो क्या क्या कीज़ प्रेस कर रहा है किस वेबसाइट पर जाके क्या डाटा वो वहाँ पर शेयर कर रहा है टाइपिंग क्या कर रहा है तो डिफरेंट की स्ट्रॉक्स जो वो वहाँ पर प्रेस करता है उनके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर अपने सिस्टम के अंदर बैठ के कोई सॉफ्टवेयर ओपन करके उसको पासवर्ड लगा के लॉग इन करता है तो ये सारे के सारे जो की स्ट्रॉक्स वो प्रेस करता है ये बैकेंड पे रिकॉर्ड करके वो जो हैकर है उस तक ये इंफॉर्मेशन जारी होती है और पासवर्ड वगैरह जो लगा रहा होता है वो भी उस तक इन्फॉमेसन पहुंच जाती है वो कंप्यूटर हैक करने वाला बंदा ये सारी चीज़ें उसकी नोट कर सकता है स्पैम एंड फिशिंग स्पैम क्या होता है अनवानट ई मेल्स जो है वो आपको आ सकती हैं यानी वो जो सिस्टम हैक हो गया हुआ है उसके अंदर बेशुमार तरह का डाटा पड़ा हुआ है उसको यूज़ करके क्लाइंट्स और कस्टमर्स और सप्लायर्स का सारा डाटा पड़ा हुआ है ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर सारा कुछ वो उसको ऑब्वियसली चोरी कर सकता है उसको एक्सेस कर सकता है फिर ऑब्वियसली हर बंदे को अपने ई के अंदर अननेसेसरी मार्केटिंग की ई वगैरह आना शुरू हो जाती है प्रॉब्लम फिर आ जाता है फिशिंग भी यही है कि किसी अटम्प्टू इलिसिट कॉन्फिडेंशल इन्फॉर्मेशन किसी की कॉन्फिडेंशल इफॉर्मेशन को इलीगल वे के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करना इसके लिए आम तौर पर क्या होता है ई e मेल्स के थ्रू ये काम होता है डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन ई मेल डिज़ाइन करके उसमें डिफरेंट तरह के फॉर्म्स बना के बड़े अट्रेक्टिव किस्म के मैसेज बना के वो ई मेल कर देते हैं लोगों को कि जनाब आप इस फॉर्म को फिल करें इस पर ये इन्फॉर्मेशन दें फिर आप किसी uh, जो है आ, किसी इनाम किसी प्राइज़ के आप हकदार बन जाएंगे इस तरह की ई वगैरह मार्केटिंग की बना के तो फिर यूज़र अगर वो बेचारा उसको नहीं पता तो वो उस ईमेल को ओपन करता है और उसमें जो इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई है वो इन्फॉर्मेशन उसको दे देता है तो इससे क्या होता है वो सारा डाटा उसका कंपनी के पास चला जाता है जिसने वो ई भेजी हुई है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं अगर कंप्यूटर हैक हो जाए उसके बाद नेक्स्ट है हारवेस्टिंग एंड सेलिंग ई एड्रेस एंड पासवर्ड्स हारवेस्टिंग एंड सेलिंग ईमेल एड्रेस का मतलब क्या कंप्यूटर हैक हो गया उसके अंदर पड़ा हुआ बेशुमार हज़ारों तरह के हमारे क्लाइंट्स हैं हमारे सप्लायर्स हैं हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सबका ई मेल ई मेल एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके लॉग इन अकाउंट सारी कॉन्फिडेंशल इन्फॉमेशन वो फाइल्स में पड़ी हुई थी वो हैकर uh, के पास चली गई अब वो क्या कर सकता है हैकर उनल एड्रेस को आगे बेच सकता है मार्केटिंग कंपनीज़ को कि जी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है मैंने उसके सर्वर को हैक करके ये लाखों यूज़र्स का डाटा एक्सेस कर लिया आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी अपने, पर, अपने पर्पज़ के लिए मार्केटिंग के लिए तो वो उन्हें सेल कर सकता है तो ये भी प्रॉब्लम आ जाता है फिर एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्टिड पर्सनल और क्लाइंट इन्फॉमेसन सेल्फ एविडेंट है कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो रिस्ट्रिक्टड है पर्सनल है हमारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर्स में पड़ी होती हैं तो वो भी फिर उसके पास चली जाती है <laughs> इसके अलावा हमारे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं जिनमें मूवीज़ हैं कोई हमारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं इसके अलावा और डाटा फाइल्स हैं इस सारी की सारी फाइल्स उसकी एक्सेस में आ गई वो इसको इलीगल वे में दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ अदर सिस्टम एक सिस्टम हैक हुआ उसके ज़रिए से उस सिस्टम के साथ जो अदर सिस्टम अटैचड हैं उनको भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं यानी वायरस वगैरह भेज के वायरसेस वायरस भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं छोटे से जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद तो अदर सिस्टम भी जो उस मेन सर्वर से अटैच हैं सर्वर अगर हैक हो गया तो अब उसके जो क्लाइंट्स हैं जो उसके साथ अटैच सिस्टम है वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं हाइडिंग प्रोग्राम्स एट लॉन्च अटैक्स ऑन अदर कंप्यूटर्स मेन सर्वर को हैक करने के बाद उसने हैकर ने इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जो इस सिस्टम में रह के इस सर्वर में रह के अदर सिस्टम्स के ऊपर अटैक uh, कर रहे हैं उनके डाटा को खराब कर रहे हैं या उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हैं और फिर आगे भेज रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम आ सकते हैं नेक्स्ट है गेटिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा ट्रांसफर्स स्लोइंग डाउन द इंटायर सिस्टम मेन सर्वर हैक हो गया अब इसके ऊपर डेली जो काम हो रहा है जो भी इसके अंदर डाटा है जो भी इसमें फ़ाइल्स हैं जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे उसकी फाइल्स बना बना के कोई उसने हैकर ने ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिया जो हाइड है नज़र नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है बैकन पे हमारे सिस्टम की सारी इन्फॉमेशन डाटा वगैरह उसकी कॉपीज़ बना बना के उसको ईमेल जो है ना वो जा रही हैं इससे क्या होगा हमारे ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है जो उसकी स्पीड है वो इफ़ेक्ट हो जाती है क्योंकि कॉन्टीन्यूसली बैकेंड पे एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है हमारे सर्वर का जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करने में भी इन्वॉल्व हो गया ज़ाहरी तौर पे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन बैकेंड पे ये डाटा ट्रांसफ़र वग़ैरह ये देखिएगा लिखा हुआ है जेनरेटिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र्स तो हैकर ने क्या किया ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जिससे लार्ज डाटा कॉन्टीन्यूस बेसिस पे हर घंटे बाद हर दो घंटे बाद या डेली बेसिस पे डाटा ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से Uh, हमारा सिस्टम ओवरऑल जो है हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है वो आपस में उसकी कम्युनिकेशन उसमें प्रॉब्लम आई थी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाती है अब ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सिस्टम uh, के हैक होने की वजह से अब अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो इनकी वजह से बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा बिजनेस कैसे डिस्टर्ब होगा ये आगे बिजनेस इम्पैक्ट लिखा हुआ है इसे आप अंडरलाइन कर लें द बिजनेस इम्पेक्ट ये दो वर्ड्स बिजनेस इम्पैक्ट को अंडरलाइन कर लें ये समझ लें कि ये हेडिंग है नेक्स्ट इन पॉइंट्स की तो बिज़नेस इंपैक्ट क्या होगा बिज़नेस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा अगर सिस्टम हैक हो जाता है और ये सारी आ, सारे प्रॉब्लम्स आ जाते जा 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 हैं इनमें से कोई तो इससे क्या होगा रिस्क टू सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पर्सनल और, और, और क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगा हमारी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन वो रिस्क पे चली जाएगी और उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा वो इंफॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है हम भी इवन उसको हो सकता है एक्सेस ना कर पाएँ किसी सॉफ्टवेयर में हमने सारी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं वो सॉफ्टवेयर को आगे प्रॉब्लम कर दे हैकर और उसके पासवर्ड्स को चेंज कर दे कोई ऐसे प्रॉब्लम कर दे जिससे हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अदर सिक्योरिटी और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन वो उस प्रॉब्लम में आ सकती है आइडेंटिटी थे डाटा करप्शन डाटा को करप्ट कर दे डिस्ट्रप्ट कर दें अन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इन्फॉमेसन इन एमरजेंसी हमारे रिकॉर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है क्लाइंट से डिस्कशन करनी है सप्लायर से डिस्कशन करने के लिए डिफरेंट तरह की रिकॉर्ड्स हमें देख के उनसे रिपोर्ट्स जनरेट करके उन रिपोर्ट्स की बेस पर हमने आगे डिस्कशन करनी होती है क्लाइंट्स के साथ तो वो सारी इन्फॉमेसन हमारी एक्सेस में अब नहीं आ रही उसने कोई ऐसा प्रॉब्लम कर दिया तो इससे बिजनेस के ऊपर ये इंपेक्ट आ सकता है लॉस ऑफ वैल्यूबल बिजनेस बिजनेस इंफॉमेसन ये भी वही बात है कि बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ी हुई है हमारे सिस्टम सर्वर्स के ऊपर पड़ी हुई है वो उसका लॉस हो सकता है वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं लॉस ऑफ एम्प्लॉय एंड पब्लिक ट्रस्ट जो हमारे एम्प्लॉज़ हैं वो तो अपना रूटीन काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे अपनी सारी रिस्पॉसिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं डाटा एंटर कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं रिपोर्ट्स बना रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन जब डेटा सारा लॉस हो जाएगा पिछले पूरे साल का डाटा फाइल्स करप्ट हो गई उसने करप्ट कर दी तो इससे क्या होगा हमारे एम्प्लॉज़ का इंटरेस्ट जो है आई डिपार्टमेंट पर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की हायर मैनेजमेंट पर वो जो ट्रस्ट है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा वो कहेंगे आपने तो सही सिक्योरिटी मेजर्स ही अडॉप्ट नहीं किए हुए हमारी सारे साल की मेहनत आपने ज़ाया कर दी हम तो नहीं दोबारा से डाटा एंटर करेंगे इसी तरीके से पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप एग्ज़ाम्पल एक बैंक है उसका मेन सर्वर अगर हैक हो जाता है तो सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन किसके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं क्या उसने ट्रांजेक्शन किए पूरे साल में और कितने उसके बैंक अकाउंट्स हैं ये सारी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉमेसन किसी और के पास चली गई और ये बात भी लीक आउट हो गई कि इस कम इस बैंक का मेन सर्वर हैक हो चुका हुआ है प्रॉब्लम में आ चुका हुआ है तो इससे उसमें जिसने लोगों ने अकाउंट्स बनाए होंगे वो भी ज़ाहिर बात है उनका ट्रस्ट जो है वो आ, अफेक्ट होगा और हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर वो आ, उसी टाइम बल्कि अपना सारा कुछ वहाँ से विदड्रॉ कर लें तो बैंक जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा फिर एम्बेरसमेंट होगी प्रॉब्लम में आ जाएंगे लोग परेशानी होगी एडवर्स पब्लिसिटी होगी मीडिया को पता चल गया लोगों को पता चल गया वो सारे बातें जो है ना ये आ, उसको एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देंगे फ़लां बैंक फलां ऑर्गेनाइजेशन उसका सर्वर हैक हो गया लोगों की इंफॉर्मेशन स्टील हो गई इस तरह के प्रॉब्लम तो कंपनी की जो पब्लिसिटी है उसकी जो फेम है वो सारी अफेक्ट होगी इन सारी चीज़ों से मीडिया कवरेज के थ्रू और न्यूज़ रिपोर्ट्स के थ्रू अखबारों ने भी छापना शुरू कर दिया फलां कंपनी जो है उसका सिस्टम हैक हो गया और उनकी सारी कॉन्फिडेंस इंफॉमेसन उनके क्लाइंट्स की वो लीक आउट हो गई इनके सिक्योरिटी मेजर्स ठीक नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो इससे कंपनी को प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ सकती है कॉस्टली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ कंप्रोमाइज़ ऑफ सर्टन टाइप ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ इंफॉमेशन तो इससे क्या होगा कंपनी को काफ़ी किस्म के कॉस्टली मेयरमेंट्स लेने पड़ सकते हैं कॉस्टली रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ सकती हैं कि नेक्स्ट टाइम उन्हें ज़्यादा अब स्ट्रॉग सिक्योरिटी मेजर्स को फुलफ़िल कर, uh, करना पड़ेगा ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टाइम फिर ना आएँ इंटरनल disciplinary एक्शन अप टू एंड इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज़ वेल एज पॉसिबल penalties. क्या मतलब इसका कि इस अगर कंप्यूटर हैक हो गया तो उससे क्या होगा ओबियसली सारे बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे हायर मैनेजमेंट कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से हमने तो सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए लेकिन ये हैक कैसे हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाएगी पता चलेगा आईटी डिपार्टमेंट के फ़लां बंदे ने सही तरीके से फ्लां सॉफ़्टवेयर को एंटीवायरस को और फायरवॉल को और फ्लां स्पाइवेयर जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए हुए सिक्योरिटी पर्पज़ लिए उसको अपडेट ही नहीं किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर महीने इस डेट को या जब भी उसका अपडेट आया अवेलेबल हो उसको अपडेट कर ले उसने अपडेट नहीं किया जिसकी वजह से क्या हुआ अपडेट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया वायरस आ गया हैक हो गया सिस्टम तो इससे क्या होगा कंपनी उसके खिलाफ एक्शन लेगी कोर्ट में भी जा सकती है उसको डिसमिस भी कर सकती है डिसिप्लिनरी एक्शन ये सारे लिए जा सकते हैं और उसी तरह वो बंदा कहे जी मेरा कसूर नहीं है वो अपना कसूर जो है ना वो क्लियर कर दे क्योंकि जी मैंने तो सारे अपडेट्स किए हुए हैं मेरी

कंपनी को ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं इनसे बचने के लिए अब कंपनी को क्या करना चाहिए वो पहले से ही इंटरनेट को यूज़ करने की पॉलिसी बनाए और सारे एम्प्लॉयज़ को बताएं कि आपने इंटरनेट को जो यूज़ करना है वो इन पॉलिसीज़ को इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यूज़ करना है तो इसको आप अंडरलाइन कर लें इंटरनेट यूज़ पॉलिसी ये हैडिंग है इन सारे पॉइंट्स का तो इंटरनेट यूजेज जो पॉलिसी है वो क्या है उसमें गाइडलाइंस होंगी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे सारे एम्प्लॉज़ को एक प्रिंट करके एक मेमोरेंडम बना के वो सारे एम्प्लॉयज़ को बताया जाएगा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है अगर आप इसके ख़िलाफ़ काम करेंगे तो फिर आपको कंपनी की तरफ से डिफरेंट पेनल्टीज़ या डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो सकता है इंटरनेट यूज पॉलिसी के अंदर कंपनी जो पॉलिसी बनाएगी उसमें पहला एक पॉइंट क्या हो सकता है लिमिटिंग इंटरनेट यूज़ टू बिज़नेस पर्पज़ कि इंटरनेट का यूज़ जो है वो एम्प्लॉज को बता दिया जाए कि सिर्फ आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए करना है क्लाइंट सप्लायर्स या अदर जो रेलिवेंट पार्टीज़ हैं उनसे कम्युनिकेशन के लिए आपने यूज़ करना है पर्सनल परपज़ के लिए आपने इंटरनेट का यूज़ बिज़नेस के कंप्यूटर पे बैठ के नहीं करना क्या आप अपनी ई चेक कर रहे हों आप दोस्तों से गपशप लगा रहे हों व्हाट्सएप कर रहे हों और इस तरीके से दूसरे आप सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह आपने नहीं करना सिर्फ इंटरनेट यूज़ करना है आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए तो ये कम्युनिकेट कर दिया जाए नोटिफिकेशन ऑफ एबिलिटी टू ट्रैक इंटरनेट यूजेज ये भी बता दिया जाए कि हमने सारे सिस्टम में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं जो आपकी इंटरनेट के यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप किस वेबसाइट पर जा रहे हैं और वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं अगर आपने हमारी बताई हुई पॉलिसी के खिलाफ इस्तेमाल किया इंटरनेट को तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी तो इस तरह का नोटिफिकेशन भी बना के सबको शेयर कर दिया जाए इसके अलावा डिफ़रेंट तरह की वेबसाइट्स हैं प्रोहिबिटिंग एक्सेस टू तो साइट्स डिफरेंट तरह की आगे वेबसाइट्स लिखी हुई हैं जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इेलीवेंट हैं ये असल में इसी में बात आ जाती है कि अगर आ, इंटरनेट का यूज़ बिज़नेस पर्पस के लिए लिमिट कर दिया जाए बता दिया जाए कि आपने सिर्फ इंटरनेट जो इस्तेमाल करना है बिजनेस पर्पज़ के लिए पर्सनल पर्पज़ के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने नहीं करना वो आप घर जाके अपना काम करें अपने पर्सनल मोबाइल पर करें बिज़नेस का जो सिस्टम है कि सिस्टम के ऊपर आप बैठ के बिज़नेस का डाटा मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर आपने इंटरनेट का यूज़ अदर परपज़ के लिए नहीं करना एनश्योरिंग दैट डाउनलोड्स ओनली अकर फ्रॉम अ सेफ़ एंड रिप्यूटल वेबसाइट ये भी आप बता दें इंप्लाइज़ को कि आपने जब भी कोई फाइल डाउनलोड करनी है किसी सप्लायर की तरफ से कोई फाइल आई है किसी कस्टमर की तरफ से कोई फाइल आई है तो आपने ये इंश्योर कर लेना है कि वो सेफ़ है उसमें कोई वायरस नहीं है उसको डाउनलोड करने से पहले ही आपने उसको एंटीवायरस के थ्रू चेक करवा लेना है और अगर आपको किसी वेबसाइट से जाके कोई डाटा डाउनलोड करना पड़े वो भी आप देख लें रेप्यूटेबल वेबसाइट हो ऐसी मार्केटिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स ना हो प्रोहिबिटिंग डाउनलोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बेटा सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं आपके सिस्टम में सेटअप फाइल्स जिसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं वो ऐसे इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसी uh, फाइल्स को ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह को डाउनलोड ना किया जाए ये भी आप कम्युनिकेट कर दें क्योंकि आम तौर पे जो सेटअप फ़ाइल्स होती हैं डाउनलोडेबल डाउनलोड होने के बाद एग्जीक्यूट होती हैं जब तो उनमें बाद वायरस वगैरह होने के चांसेस होते हैं तो ये भी बता दिया जाए कि इस तरह अननेसेसरी जो या इरेलीवेंट फाइल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल सिस्टम में ना किया जाए प्रोहिबिटिंग प्रो प्रोवाइडिंग द यूज़र्स बिजनेस ई मेल एड्रेस टू लिमिट द लाइटलीड ऑफ स्पेमिंग एंड फिशिंग ये भी बता दिया जाए कि आपने अपना बिजनेस का जो ई मेल एड्रेस है बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर आपको जो ई मेल एड्रेस बना के एक पर्सनल इम्प्लॉई का अपना है जो उसने किसी जी मेल और फल किसी अदर वेबसाइट के ऊपर बनाया हुआ है और एक बिजनेस का है बिजनेस उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए ई मेल एड्रेस बना के दिया हुआ है तो उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल में ना लेके आए यानी अगर वो किसी वेबसाइट को ओपन करके अपना पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं और वो वेबसाइट उसे रिक्वायर करिए कि अपना ईमेल एड्रेस दें फिर हम आपको एक लिंक भेजेंगे उस पर क्लिक करने से फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे तो बिज़नेस ईमेल ऐसे किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए इससे क्या होगा वही स्पैम यानी अनवॉन्टेड ई वगैरह उसके बिजनेस के वाले बिजनेस वाले ई अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे और बिजनेस का जो ई अकाउंट है उसके अंदर बेशुमार उसके ई uh, मेल्स पड़ी हुई हैं जो कस्टमर सप्लायर्स एम्प्लॉइज़ की हैं वो सारी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है अगर वायरस आ जाए तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन भी बता दिया जाए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन का मतलब क्या है उसे बता दीजिए अगर आप इन सारी बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपके साथ जो वो क्या हो सकता है कंपनी क्या एक्शन ले सकती है वो कॉन्सिक्वेंस भी उसे बता दिया जाए इसके अलावा नेक्स्ट कुछ और भी कंट्रोल्स हैं डेटा को जो डाटा आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है उसको सेफ़ गार्ड करने के लिए कुछ कंट्रोल्स और बेस्ट प्रैक्टिसज हैं उसको भी हम देख लेते हैं कॉमन सेफ गार्ड्स के हैं यू स्ट्रॉन्ग क्रिप्टिव पासवर्ड्स डेट कैन नॉट बी इजीली गैसड कंपनी को चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने लॉग इन अकाउंट्स के ऊपर सारे एम्प्लॉज को बता दें कि uh, जो जट्रॉग किस्म के पासवर्ड यूज़ किए जाएँ जो आसानी से गेस ना हो सकते हों और फिर उन्हें सीक्रेट रखा जाए दूसरों के सामने पासवर्ड ना इस्तेमाल किया जाए और फिर रेगुलरली कॉन्टीन्यूसली उन्हें चेंज भी किया जाए स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद उसके बाद नेक्स्ट है मेक श्योर द कम्प्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ वगैरह एंड एप्लीकेशनज़ आर प्रोटेक्टेड विद ऑल नेसेसरी सिक्योरिटी पैचज़ एंड अपडेट्स विंडोज़ है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अलावा और भी जितने सॉफ्टवेयर हैं वो उनको रेगुलरली अपडेट किया जाए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले रेगुलर uh, अपने ऑपरेटिंग uh, सिस्टम को विंडोज़ को अपडेट करते रहते हैं उनके अंदर नए नए फीचर सिक्योरिटी फ़ीचर्स ऐड करते रहते हैं तो जो भी वो अपडेट्स हैं अपने सिस्टम को उन अपडेट्स अपने सिस्टम के अंदर तो उन अपडेट्स को इंस्टॉल किया जाए इस तरीके से आपने ऑफिस की एप्लीकेशन और अदर कोई एंटी वायरस वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं तो उनको रेगुलरली अपडेट किया जाए ताकि उसमें अपडेट्स जब ऑबियसली अपडेट्स होती रहेंगी तो फिर वो नए नए आने वाले जो इश्यूज हैं नए आने वाले वायरसेज हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं मेक श्योर द कंप्यूटर इज़ प्रोटेक्टेड विद अप टू डेट एंटी वायरस एंड एंटी स्पाइवेयर ये भी वही बात है कि आपने अपने सिस्टम में अपने सर्वर के ऊपर और अदर सिस्टम्स के अंदर जो एंटी वायरस और एंटी स्पाईवेयर ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए एंटी वायरस होते हैं और स्पाईवेयर स्पाईवेयर क्या होते हैं आ, ये भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आ, आपके इंटरनेट से आ, या ई के थ्रू आपके सिस्टम में आके इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके सिस्टम में से डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन कॉपी कर करके उसकी ई मेल्स रेलिवेंट कंपनी को जिसने वो इंस्टॉल किए हैं उसको भेजते रहते हैं तो एंटी स्पावेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल होने से और काम करने से रोकता है जैसे एंटीवायरस क्या होता है वो वायरसेस को आने से और इंस्टॉल होने से और काम करने से रोकता है वायरस भी याद रखिएगा वायरस कंप्यूटर जो वायरसेस हैं ये भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम में आके डिफ़रेंट तरह की अननेसेसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं फाइल्स की कॉपी बनाना शुरू कर देंगे शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देंगे एक्स्ट्रा फोल्डर्स बनाना शुरू करें डाटा आपका डिलीट होना हो जाएगा ऐसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो उनको इंस्टॉल होकर वर्क करने से रोकने के लिए एंटी वायरसेज़ और स्पाइवेयर को इंस्टॉल होने से या काम करने से रोकने के लिए एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं इनको रेगुलरली आप अपडेट करवाते रहें यूज़र शुड अवॉइड क्लिकिंग ऑन अनसोलिटेड लिंक्स और अटैचमेंट ई मेल्स आ रही हैं उनके साथ अटैचमेंट्स भी होती हैं उनके अंदर लिंक्स भी होते हैं वो अगर आप उनको नहीं जानते तो आप उसके ऊपर क्लिक ना करें अदरवाइज जिस वेबसाइट या जिस जो भी फाइल ओपन होगी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है वायरस हो और कोई ऐसा स्पाइवेयर हो तो उसको अवॉइड किया जाए और उनको बिज, बिजनेस के अंदर बैठ के अपने सिस्टम इंस्टॉल ना किया जाए अवॉइड सेंडिंग इंफॉर्मेशन वाई स्टैंडर्ड अनक्रिप्टिड वाई आप जो वाई है अपना वो किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करें जो आ, यानी वेल well है रेनाउंड कंपनी है क्योंकि जो अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे उनका सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉग होते हैं क्योंकि आपका सारा डाटा वाईफाई कंपनी जिससे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया उसके थ्रू हो के फिर आगे इंटरनेट की तरफ अदर कंप्यूटर्स की तरफ जा रहा होता है और आप अगर किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं कहीं से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सारा डाटा ऑब्वियसली वाई कंपनी के थ्रू होकर आपके सिस्टम में आ रहे हैं तो दरमियान में कोई इसको हैक ना कर ले इसके लिए आप अच्छी कंपनी का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आप यूज़ करें Uh, किसी uh, आम सी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ ना करें हो सकता है आपके सिस्टम पे सिक्योरिटी मेज बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं बहुत ज़्यादा ठीक हैं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा लेकिन आप जिस कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो उसमें सिक्योरिटी मयज अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसके ज़रिए से भी हैकिंग हो सकती है ये भी पॉसिबिलिटी है तो इसलिए अन इनक्रिप्टिड वाईफाई और स्ट्रॉन्ग किस्म की जो वाई फाई, uh, 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 -फाई हैं उनको आप यूज़ करें नेक्स्ट है यूजिंग एच टी टी पी एस इन यू आर एल जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाके वेबसाइट का एड्रेस दें डब्ल्यू 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 डॉट ए बी सी डॉट कॉम मिसाल के तौर पर तो उसके शुरू में एच टी टी पी एस का इस्तेमाल करें एस का मतलब सिक्योर है फिर उस वेबसाइट के ऊपर जब आप एच टी टी पी एस वगैरह लिख के और फिर आगे एड्रेस लिख के एंटर करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसमें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है उसमें कोई फॉर्म्स बने हुए हैं आपने उसमें कोई अपनी पर्सनल इन्फॉमेसन ऐड करनी है तो वो उस वेबसाइट से कहीं लीक आउट नहीं होगी यानी कोई और थर्ड पार्टी उस वेबसाइट के ऊपर आपने जो इन्फॉमेशन शेयर की है वो उस वेबसाइट के ऊपर ही शेयर होगी उस वेबसाइट वालों के पास ही जाएगी कोई और थर्ड पार्टी वहाँ से आ, उसको स्टील नहीं कर सकती अवॉइड स्टैंडर्ड अनक्रिप्टेड ई मेल अन इनक्रिप्टड इंटरनेट इंस्टेंट मैसेजिंग वही बात है कि ई मेल भी आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करें आपने अगर ई मेल अकाउंट बनाना है तो कोई ऐसे अन नोन सी कंपनी या अन नोन सर्विस देने वाली कंपनी का ई मेल एड्रेस ना बनाए Uh, इस तरीके से इंस्टेंट मैसेजिंग आपने करनी है कोई अपने मैसेजिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो भी आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अन इनक्रिप्टेड का मतलब है जिसका डाटा थर्ड पार्टीज वगैरह कोई इरेलीवेंट बंदा उसको ना देख सके सिक्योर हो बैकअप डाटा फ्रीक्वेंटली कीप वन बैकअप कॉपी ऑफ साइड अपने सिस्टम आपके सर्वर के ऊपर कंपनी को क्या चाहिए कि उसके सर्वर के ऊपर जितना भी डाटा स्टोर हो रहा है रेगुलर बेसिस पे उसकी एक कॉपी बना के ऑफ साइट यानी उस सर्वर से हटा के कहीं और स्टोर करती रहे ताकि अगर कल को उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसमें कोई वायरस आ जाता है या कोई वैसी सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपके पास एक डाटा की एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हो ये एक्स्ट्रा कॉपी जो आप मेन सर्वर से मेन सिस्टम से हटा के कहीं और सेव करते हैं उसे बैकअप लेना कहते हैं तो आप ऑफ साइट यानी मेन सिस्टम से अलहदा किसी हार्डवेयर हार्ड ड्राइव हार्ड के ऊपर सी के ऊपर राइट करके डाटा आप सेपरेटली कहीं स्टोर करते रहें इससे फिर क्या होता है कि डाटा अगर आपका डैमेज हो जाए प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप उसको रिकवर कर सकते हैं परफॉर्म फ्रीक्वेंट सिस्टम मेंटेनेंस टू तो इंश्योर परफॉर्मेंस डज नॉट इरोड सिस्टम परफॉर्मेंस को अप टू डेट रखने के लिए सिस्टम सम्राट कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस डाउन ना हो जाए उसकी स्पीड ना प्रॉब्लम में आ जाए इसके लिए आप क्या करें सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करते रहे इसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं जो सिस्टम की सीपीयू की मॉनिटरिंग करते हैं और ऑल दो के विंडोज़ के अंदर ख़ुद से भी ये फ़ीचर्स अवेलेबल हैं उससे आप इवेल्यूएट कर सकते हैं सीपीयू हमारा जो है वो उसमें कितने परसेंट जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है इंटरनेट कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल करना पड़ता है वेबसाइट को एक्सेस करना पड़ता है तो बहुत सारी इरेलीवेंट फाइल्स आकर स्टोर हो जाती हैं सिस्टम में इससे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो एयरोड हो जाती है एरोड मीन डाउन हो जाती है तो उसमें अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करते रहे अपने मिसाल के तौर पर आपका रिसाइकल बिन है उसे डाउनलोड का जो फोल्डर है उसे और टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स का फोल्डर है उसे इस तरह जितने भी इेलीवेंट सॉफ्टवेयर्स हैं फाइल्स हैं जो कॉन्टिनसली सिस्टम में ऐड हो रहे होते हैं आपके उसको आप आ, क्लियर करते हैं ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर चलती रहे ये सिस्टम मेंटेनेंस कहलाती है और उसमें फिर ये भी बात आ जाएगी कि आप अपने सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें अप टू डेट रखें सॉफ्टवेयर वगैरह भी अपडेट हार्डवेयर टू कीप पेस विद स्पीड ऑफ चेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर इट्स सपोर्ट्स हार्डवेयर भी सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आपने अपडेट नहीं करने बल्कि अपना हार्डवेयर भी अपडेट करते रहें आपने मिसाल के तौर पर रैम लगाई हुई है <coughs> जितनी भी आपने रैम यूज़ की हुई है बाद में आपने सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे और उसमें इंस्टॉल कर दिए कि अब आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होगी वो सॉफ्टवेयर ज़रा ज़्यादा हैवी किस्म के थे उनको प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए तो आप अपने सिस्टम को भी अपडेट करें उसके हार्डवेयर को सी को प्रोसेसर्स को और रैम वगैरह को अपडेट करते रहें ताकि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रन होकर सही काम कर सकें तो हार्डवेयर को भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है आउट एडिकेट इंश्योरेंस कवर अपने सिस्टम की सारे ओवरऑल आईटी डिपार्टमेंट की इंश्योरेंस करवाएँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उधर से भी आप रिकवर करवा सकें इन्वेस्ट इन एन अन पावर सप्लाई यू वगैरह लगवाएं ताकि पावर अगर दरमियान में ब्रेक होती है तो उसकी वजह से ये ना आपकी हार्ड ड्राइव वर्ड ड्राइव सारा डाटा उसमें ख़राब हो जाए तो अन इंटरप्टिड पावर सप्लाई होनी चाहिए सिस्टम यानी उनको जो पावर मिल रही है जो बिजली उनको मिल रही है करंट मिल रहा है वो वो अन इंटरप्टेबल होना चाहिए यानी यू पी एस इस तरह का अरेंजमेंट किया जाए डॉक्यूमेंट सिस्टम्स डॉक्यूमेंट सिस्टम्स एंड की द अप टू डेट फॉर सिस्टम अमेंडमेंट आपके सिस्टम में सिस्टम से बना दिया पे वही कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी आपने चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं जितना भी हार्डवेयर आपने उसके अंदर ऐड किया हुआ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें रिकॉर्ड्स बना के रखें कि हमारे सर्वर पर ये इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है रैम है या प्रोसेसर है वो इस कैपेसिटी का है और बाकी सारे सिस्टम का भी एक लॉग एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें और कल को अगर आप कोई चीज़ अपडेट करते हैं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करें कि हमने इस सिस्टम में इस डेट को ये चीज़ अपडेट कर दी है ये पूरा रिकॉर्ड बना के रखें ताकि आपको पता हो कि किस सिस्टम में किस वक्त कौन सी चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत है यह पूरा आप रिकॉर्ड बनाएं डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट बना के रखें फिर उसके बाद ई मेल यूजेज पॉलिसी है पहले हमने पढ़ी इंटरनेट यूजेज पॉलिसी कि इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन कंपनी को चाहिए कि एम्प्लॉज़ को कम्युनिकेट करें नेक्स्ट है ई मेल यूजेज पॉलिसी ई मेल्स के थ्रू भी प्रॉब्लम आया था डाटा के अंदर तो इम्प्लॉइज़ को ई मेल यूज पॉलिसी भी बना के तो उनको भी कम्युनिकेट की जाए कि वो ई मेल अगर उन्होंने अकाउंट यूज़ करना है बिज़नेस का तो उसको किन रूल्स को फॉलो करते हुए करना है अब ये देखिएगा इसमें ई मेल यूजेज पॉलिसी ये लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लें ये ये आपकी मेन हेडिंग है अब इसमें देख लेते हैं कि नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ़ पर्सनल ई मेल अकाउंट फॉर बिजनेस मैटर एम्प्लॉज को बता दिया जाए कि आपने अपने पर्सनल अकाउंट पर्सनल ई मेल अकाउंट को बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना पहले हमने क्या पढ़ा था बिजनेस का जो ई मेल है अकाउंट uh, है उसको आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना पर्सनल को आपने बिजनेस परपज़ के लिए यूज़ नहीं करना बिज़नेस ने आपको जो ईमेल अकाउंट बना के दिया हुआ उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें और पर्सनल को पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें चेक ई मेल रेगुलरली इम्प्लॉइज़ को बता दिया जब अपना ई मेल अकाउंट रेगुलरली चेक कर लें ताकि उसमें कोई ई मेल्स वगैरह अन नेसेसरी आ रही है उसको डिलीट करते हैं वरना क्या होगा बल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ई मेल्स मार्केटिंग कंपनीज़ की बात को जब आना शुरू हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रूटीन जो रिक्वायर्ड ई होती हैं किसी क्लाइंट ने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है किसी सप्लायर की तरफ से कोई आपको इनफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आई हुई है तो वो ई मेल्स में फिर इधर नज़र नहीं आती ओवर लुक हो जाती हैं तो रेगुलरली चेक करते रहें और फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपने ई को ऑर्गेनाइज भी करते रहें ई अकाउंट में फोल्डर्स वग़ैरह बना के या टैग वग़ैरह करने की ऑप्शन भी होती हैं अपनी इंपॉर्टेंट ई को फोल्डर्स बना के उसके अंदर आप मेंटेन मैनेज करते रहें ताकि कल को आपको ई को ढूंढने में और एक्सेस करने में आसानी रहे इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज करना और इनरेलीवेंट जो ई मेल्स आई हैं उन्हें साथ साथ डिलीट करते रहें यूज़ ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड करटीसी इन मैसेजेस ई मेल अकाउंट ई मेल के थ्रू अगर आप किसी दूसरे को मैसेज करते हैं ऑब्वियसली आप बिज़नेस के अंदर बैठे हुए हैं बिजनेस के एम्प्लॉई हैं और बिजनेस को आप रिप्रजेंट कर रहे हैं तो अपने ई मेल मैसेज के अंदर आप क्या करें करटिसी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें ये आप सारी बातें आपने बीसी के अंदर पढ़ी होंगी या पढ़ लेंगे इन कि आपने बिजनेस कम्युनिकेशन किस अंदाज़ में करनी है किन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने मैसेजेस वगैरह लिखने हैं ई मेल्स लिखनी है लेटर्स लिखने हैं है ताकि अदर लोगों को आप कम्युनिकेट कर सकें प्रोहिबिट ई मेल यूज़ फॉर अन ला पर्पज़ जो बिज़नेस का ई मेल है अनला पर्पज़ के लिए आप अ, मिसाल के तौर पर किसी वेबसाइट पर जाके खाम ख्वा फ़ाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं और इस तरीके से किसी बंदे ने कोई ऐसी पर्सनल वेबसाइट बनाई हुई है उसके ऊपर उसने बुक्स डिफरेंट तरह की अनलॉफुल वे के अंदर कहीं से एक्सेस करके उस पर रखी हुई है और आपको फ्री डाउनलोड करने के लिए उसने दी हुई है वहाँ से जाके डाउनलोड ना करें क्योंकि हो सकता है आपका बिजनेस ई एड्रेस वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए और कल को फिर आप बिज़नेस को प्रॉब्लम आए क्योंकि आप बिज़नेस का ई यूज़ करके ये काम कर रहे हैं तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया जाए प्रोहिबिट ई ई मेल यूज़ आउटसाइड योर फर्म्स पॉलिसीज़ ये भी बता दिया जाए कि हम आपको जो पॉलिसीज़ बता रहे हैं इनके अंदर रहकर आपने बिज़नेस का ई मेल एड्रेस यूज़ करना है उससे हट के आपने यूज़ नहीं करना लार्ज अटैचमेंट्स अपने ई मेल अकाउंट जो बिज़नेस का ई मेल अकाउंट है उसको यूज़ करके लार्ज अटैच यानी ज़्यादा साइज की जो फाइल्स हैं वो सेंड ना करें इससे ओवरऑल आपके बिज़नेस का अकाउंट जो है जो आप ई मेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी आपकी जो कैपेसिटी है वो Uh, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाती है मिसाल के तौर पर अगर ई मेल अकाउंट यूज़ करने के लिए आपको टेन जी बी की या फाइव जी बी की कंपनी ने स्पेस uh, दी हुई है तो ओबियसली जब आप लार्ज अटैचमेंट भेजेंगे तो फिर आपकी वो जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगी तो इसलिए लार्ज फाइल्स को ना भेजा जाए स्मॉल फाइल्स को भेजा जाए हाँ अगर आपको लार्ज फाइल्स अटैच करके भेजने की जरूरत पड़ती है तो आप रेलिवेंट जो आपका मैनेजर है उसे इजाजत लें उसे डिस्कस करें कि जी मुझे ये फाइल फला क्लाइंट को या फला कस्टमर को भेजने की जरूरत है प्रोहिबिटिंग ओपनिंग ई मेल अटैचमेंट्स फ्राम अनन नोन सोर्सेज ये पहले भी बात हो चुकी हुई है कि जिन अटैचमेंट्स को या जिन सोसेज uh, को आप नहीं जानते वहां से कोई ई आई हुई हैं तो अटैचमेंट को ओपन ना करें वायरस हो सकते हैं प्रोहिबिटिंग एसेसिंग ई मेल अकाउंट फॉर अदर इंडिविजुअल्स अदर इंडिविजुअल के ई मेल अकाउंट आप यूज ना करें आप किसी और को यूज़ करने के लिए ना दें यानी कि आपने ई मेल अकाउंट खोला हुआ है और आप अपने दोस्त को कह दें यार ये ई मेल जो है ना टाइप करके जरा सेंड करना मैं जरा दो मिनट के लिए जा रहा हूँ तो ऐसा ना किया जाए अपने ई मेल अकाउंट दूसरों को ना दें दूसरों के खुद यूज ना करें अपने अकाउंट को सिक्योर रखने की कोशिश करें प्रोहिबिटिंग शेयरिंग ई मेल अकाउंट पासवर्ड पासवर्ड भी शेयर ना करें दूसरों के साथ प्रोहिबिटिंग एक्सेसिव पर्सनल यूज ऑफ योर फर्म्स ई मेल फर्म का जो ई मेल है उसका पर्सनल यूज़ ना किया जाए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेसिव यूज़ ना किया जाए बेहतर है कि ना किया जाए अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट आप यूज़ करें पर्सनल पर्पस के लिए नोटिफिकेशन दैट द फर्म विल मॉनिटर ईमेल ये भी कंपनी को चाहिए कि नोटिफिकेशन बना के सबको यानी कि रोटेट कर दें मेमोरेंडम बना के कि आपका जो ई अकाउंट है उसे भी हम मोनीटर कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं आप जो भी ई भेज रहे हैं जो भी आप रिसीव कर रहे हैं वो सारी हमारे पास उसकी मोनीटरिंग हो रही है ताकि कोई भी बंदा पॉलिसी के अगेंस्ट ई मेल अकाउंट को यूज़ ना कर सकें रिपोर्टिंग ऑफ मिस यूज़ अगर कहीं मिस यूज़ हो रहा है तो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल होने चाहिए जो आ, सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हो और फिर साथ साथ रिपोर्ट्स बना के आ, उसकी रिपोर्ट्स भी बन रही हो और रेगुलरली फिर हायर मैनेजमेंट के पास जा रही हूँ कि कहीं कोई आ, हमारा एम्प्लॉई हमारी बताई हुई पॉलिसीज के अगेंस्ट तो नहीं यूज़ कर रहा तो इसकी रेगुलरली रिपोर्ट्स बन के हायर मैनेजमेंट के पास जानी चाहिए ताकि वो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें जो कि लास्ट पॉइंट है और ये भी बता दिया जाए इम्प्लॉज़ को कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा नेक्स्ट है अपने डेटे को सिक्योर करने के लिए अपने कंप्यूटर को अपने डेटे को सिक्योर करने के लिए एक और टेक्निक भी है जिसे हम कहते हैं लॉगिंग ऑफ यूज़र डाटा लॉगिंग ऑफ का मतलब होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान लफ्ज़ में रिकॉर्ड मेंटेन करना यूज़र डाटा कंप्यूटर में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है और कंप्यूटर में जो भी वो एक्टिविटीज़ हमारे जो यूज़र्स हैं एम्प्लॉइज़ हैं परफॉर्म कर रहे हैं उन सब का बैकएंड पे रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है यानी जब भी हम कोई इंप्लॉई है उसको हमने किसी एक सिस्टम पे बैठाया कि आपने इस सिस्टम पे बैठ के अपना सारा काम करना है नाइन टू फाइव आपकी ड्यूटी है तो जब वो लॉग करेगा उसमें सॉफ्टवेयर जैसे कंपनीज इंस्टॉल कर दें कि जिससे उसकी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो रही कितने बजे लॉगिन हुआ कितने बजे इसने ऑफ़ किया कितने बजे ब्रेक ली कितने बजे से लेके कितने बजे तक इसके सिस्टम पे कोई काम परफॉर्म नहीं हुआ यानी इसका मतलब फारीक बैठा रहा होगा तो इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ वो सिस्टम पे परफॉर्म कर रहा है उसका बैकेंड पे सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड बनना चाहिए फिर उस रिकॉर्ड को देख के कंपनी को अपने इम्प्लॉयज़ को वॉन भी करना चाहिए ये सारी बातें यहाँ पर इसके अंदर लिखी हुई हैं नेक्स्ट देखिएगा लॉगिंग ऑफ के जरिए से यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं सिस्टम uh, से रेलिवेंट उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है ये देखिएगा लास्ट पैराग्राफ लॉग्स आर टिपिकली इधर इवेंट ओरिएंटेड की स्ट्रॉक ओरटेड की स्ट्रॉक रिकॉर्डर्स जो लॉग्स बनते हैं वो क्या है इवेंट ओरिएंटेड क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं सिस्टम के ऊपर उसका भी रिकॉर्ड बन सकता है की स्ट्रॉक रिकॉर्डर्स ये भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कीज़ के थ्रू जो कुछ भी प्रेस किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड बनाते रहते हैं कि इसने फला वेबसाइट पे जाके ये ये कीज़ प्रेस किए की हैं यानी ये वर्ड्स ये जुमले टाइप किए हैं फलां सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए इसने ये टाइप की टाइप किए हैं ये पासवर्ड लगाए हैं उस सारे रिकॉर्ड बनते रहते हैं तो इस तरह इस तरीके से दोनों तरह के रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉमेशन दैट कुड बी रिकॉर्डेड इन अ टिपिकल ऑफिस इन्वायरमेंट ये नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उस सारी इन्फॉमेशन की जो जिनका लॉग बनाया जा सकता है अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं नंबर वन इंटरनेट साइट्स विजिटेड उस यूज़र ने अपने सिस्टम पे बैठ के कौन कौन सी वेबसाइट विज़िट की है उसकी एक लिस्ट बन सकती है लॉग इन लॉग आउट टाइम्स किस वक्त उसने सिस्टम में लॉग इन किया किस वक्त लॉग आउट करके बंद करके चला गया इससे क्या होगा उसके वर्किंग आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे सॉफ्टवेयर ख़ुद ही कैलकुलेट करके दे देगा कितने घंटे सिस्टम में बैठ के इसने काम किया कौन कौन सी इसने ई मेल्स भेजी हैं कहाँ से इसने रिसीव की हैं ये रिकॉर्ड बनेगा आइडल टाइम का मतलब फारि वक़्त कौन सा टाइम है जिसमें इसके सिस्टम पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ इसका मतलब ये फारिक बैठा रहा था विच फाइल्स एंड प्रोग्राम्स हैव बीन एसे कौन कौन सी फ़ाइल्स इसने एक्सेस किए हैं कौन कौन से प्रोग्राम इसने ओपन किए हैं ये सारा रिकॉर्ड बनेगा की स्टॉक्स कौन से प्रेस किए हैं कन्वर्सेशन मेड यूजिंग वी ओ आई पी वी ओ आई पी स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी इससे मुराद जो चैटिंग है आपकी वॉइस मैसेजिंग है वो इससे मुराद है ये असल में टेक्नोलॉजी बैकएंड पे इस्तेमाल होती है तो कौन को इसने वॉइस मैसेज के थ्रू चैटिंग के थ्रू क्या क्या कन्वर्सेशन की है लोगों के साथ उसका रिकॉर्ड बन जाएगा नंबर ऑफ़ लॉग इन अटैम्प एंड एंट्रीज़ ऑफ एन इनकोरेक्ट पासवर्ड अगर अपने इसने अपने सिस्टम पे बैठ के किसी सॉफ्टवेयर को ओपन किया और वहाँ पे उसने पासवर्ड लगाए एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा तो आ, और हर दफ़ा सिस्टम जो है ना वो इनकोरेट इनकोरेट कहता रहा तो ये उसने कितनी दफ़ा किया तो इससे पता चल जाएगा अगर किसी सिस्टम पे इसने तीन दफा पाँच दफ़ा पासवर्ड लगाएं इसका मतलब इसको पासवर्ड नहीं पता वो इससे रेलिवेंट सॉफ्टवेयर नहीं था इसने उसको ओपन करने की कोशिश की है तो ये सारे रिकॉर्ड्स भी बैक एंड पे बन जाएंगे डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फैक्स एंड सेंड टू अ प्रिंटर इसने प्रिंटिंग कितने पेजेस किए हैं और फैक्स इसने जो किए हैं वो कितने किए हैं ये सारा रिकॉर्ड बन सकता है लॉग log, लॉगिंग के थ्रू तो इससे कंपनी की जो हायर मैनेजमेंट मैन है वो इवेल्यूएट कर सकती है हमारे फ्लां सिस्टम पर बैठ के फ्लां जो एम्प्लॉई है उसने ये ये काम किए हैं उसको इवेल्यूएट करके अगर कहीं वॉन करने की ज़रूरत है तो वॉन भी कर सकती है विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैव द एबिलिटी टू मेन्टेन फॉलोइंग लॉग्स सर्वर के ऊपर बैठा हुआ जो मेन बंदा है जो सारे क्लाइंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या क्या लॉग्स मेनटेन कर सकता है उसे विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर एक रोल का नाम है जो सर्वर के ऊपर यूज़र बैठा हुआ है जो आई टी डिपार्टमेंट का हेड कह लें या जो भी मैनेजर है वह सारे सिस्टम उसके साथ अटैच हैं और वही सारे सॉफ्टवेयर वगैरह जो ये लॉगिंग वगैरह करने के लिए इंस्टॉल करने वही इंस्टॉल करेगा वही सारी चीज़ें चीज़ेंट करके और आमतौर तौर पर वो रिपोर्ट्स बना रहा होता है तो वो क्या क्या लॉग्स मेन्टेन कर सकते हैं आगे उसने कुछ लिखे हुए एप्लीकेशन इवेंट्स एप्लीकेशन इवेंट का मतलब है कि सिस्टम के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं या अन इंस्टॉल हुए हैं इसका भी रिकॉर्ड वो बना सकते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स कौन से सिस्टम पे क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज आए हैं क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं क्या कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए बगैर ख़ुद से ही इंस्टॉल हो गए हैं ऐसे अगर कोई सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो भी उसके पास सारे रिकॉर्ड्स बनने होंगे यानी सिक्योरिटी डेटा को डेटा की डुप्लीकेशन कॉपीज़ अगर बननी है वो भी उसके बैक एंड पे रिकॉर्ड बनने होंगे वो बैठ के वहाँ देख सकते हैं कि फ्लांस सिस्टम के ऊपर डाटा की एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनती रही इसका मतलब उसमें हो सकता है कोई वायरस आया हो तो और उस सिस्टम पे एंटी वायरस उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया इसका मतलब एंटी वायरस अपडेट होने वाला है तो सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी इवेंट्स परफॉर्म हुए हैं खुद ब खुद या किसी ने किए हैं वो भी पता चल सकते हैं रिकॉर्ड किए जा सकते हैं सेटअप इवेंट्स का मतलब यही सॉफ्टवेयर वग़ैरह कितने सेटअप जो हैं वो रन हुए हैं उस सिस्टम के ऊपर ये भी सारे लॉग्स बन सकते हैं सिस्टम इवेंट्स सिस्टम के अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगे सिस्टम सम्राज कंप्यूटर सिस्टम उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं क्या क्या जो है एक्शंस परफॉर्म किए हैं यूज़र ने कौन से उसने सॉफ्टवेयर को ओपन किया है रन किया है या उसने सिस्टम को अपडेट कितना किया है कोई उसने मिसाल के तौर पर विंडोज़ का अपडेट आया हुआ था वो उसने अपडेट कर लिया विंडोज़ की सिक्योरिटी का कोई अपडेट नया पैच आया हुआ था वो उसने इंस्टॉल कर लिया तो सिस्टम के अंदर जो चेंज आई है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा उसने हार्डवेयर अटैच किया है तो ये सारी चीज़ें सिस्टम इवेंट के थ्रू रिकॉर्ड हो जाती हैं फॉरवर्डेड इवेंट्स क्या होते हैं कि अगर इस सिस्टम से किसी और सिस्टम को कोई डाटा कम्युनिकेट हुआ है सेंड किया गया या कहीं से डाटा दर आया है तो ये फॉरवर्डेड फारवर्डेड इवेंट्स जो डाटा दूसरों को सेंड किया गया वो भी रिकॉर्ड बनाया जा सकता है ये बेटा ये देखिएगा लॉगिंग ऑफ के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं जिसके जरिए से सिस्टम के ऊपर डिफरेंट तरह के जो इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं उन इवेंट्स को हेडिंग्स यूं समझ नहीं ये हैं और ऊपर डिटेल्स ये लिखी हुई हैं तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जा सकती हैं सेफ गार्डिंग स्टोर डाटा डाटा जो सिस्टम के ऊपर स्टोर है उसे आपने सेव uh, करना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तीन चार पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं इन एडिशन टू अब सिक्योरिटी प्रोसीजर द फॉलोइंग टेक्निक्स आर ऑलसो ऑफन यूज बाई फर्म्स टू असिस्ट फर्दर सेफ गार्डिंग कहना कि ऊपर जो हमने डिटेल डिस्कशन की है कि ये मयर्स होने चाहिए इंटरनेट यूजेज पॉलिसी ई मेल यूज पॉलिसी इसके अलावा फर्दर भी हमने कुछ पढ़ा कि डाटा को सेफ गार्ड करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स uh, होने चाहिए इसके अलावा कुछ और भी कह रहा है कि सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं जो डाटा स्टोर हो रहा है सिस्टम्स के अंदर मिसाल के तौर पर बैंक है उसके जो क्लाइंट्स हैं वो uh, पैसे जमा भी करवा रहे हैं और विदड्रॉ भी करवा रहे हैं ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं ए के थ्रू तो उनका सारा जो रिकॉर्ड मेनटेन हो रहा है या कोई कंपनी है आठ दस प्रोडक्ट्स हैं पूरी पाक, पूरे पाकिस्तान में सेल्स हो रही हैं सेल्स का रिकॉर्ड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एम्प्लॉइज़ के सारे रिकॉर्ड्स वो सारे उसने अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करने हैं तो वो डाटा उनका सेव रहे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए ये कुछ एक्स्ट्रा मैयर्स हैं ये भी कंपनी को चाहिए कि इन मैयर्स को भी फुलफिल करिए देखिएगा फर्स्ट पॉइंट मेनटेन वर्जन कंट्रोल ऑफ फाइल सो दैट यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट द फाइल्स इन द डाटा बेस वर्जन कंट्रोल क्या होता है बेटा ये देखिएगा अगर आपने मिसाल के तौर पर अब कंपनी ने अपने सिस्टम के अंदर ऑफिस जो इंस्टॉल किया हुआ था वो ऑफिस टू थाउजेंड टवन इस, इंस्टॉल किया हुआ था फर्स्ट करें पहले और सारे के सारे एम्प्लॉइज़ उसके ऊपर काम कर रहे थे एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट की जो फाइल्स बन रही हैं वो एक्सेल टू थाउजेंड सेवन के वर्जन के अंदर बन रही हैं बाद में चेंज हुआ बाद में चेंज हुआ तो क्या हुआ ऑफिस टू थाउजेंड सिक्सटी उन्होंने इंस्टॉल कर लिया कंपनी ने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उन्होंने उनका अब ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है अब पुरानी जितनी फाइल्स बनी हुई हैं उसमें जितना भी सेल्स का और अदर डेटा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो तो एक्सेल टू थाउजेंड सेवन के अंदर है एक्सेल टू थाउजेंड सेवन के अंदर हो सकता है कुछ फीचर्स ना हों जो सिक्सटीन में आ चुके हुए हैं तो अब क्या है उनको अपने सारे की सारी फाइल्स का वर्जन अब चेंज करके लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है ताकि वो सारी फाइल्स प्रॉपरली उनका जो डाटा है वो सिक्सटीन ऑफिस के अंदर ओपन हो सके ऑल दो ये फीचर्स पहले से अवेलेबल होते हैं ऑफ़िस में जब भी लेटेस्ट वर्जन आता है प्रीवियस फाइल्स प्रॉपर्ली उसमें ओपन हो जाती हैं लेकिन बाद के कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो आ, कुछ ऐसा डाटा कुछ ऐसे फीचर्स भी हो सकते हैं जो नए वर्जन के अंदर ओपन नहीं हो रहे या सही तरीके से विजिबल नहीं है तो वर्जन कंट्रोल भी किया जाए कौन कौन सी फ़ाइल्स हमने सही तरीके से कन्वर्ट कर ली है लेटेस्ट वर्जन में कौन सी अभी तक नहीं की ये पूरा इसका रिकॉर्ड मेनटेन किया जाए ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारी फाइल्स में ना आए This is particularly important with documents that require editorial input or with database files from multiple users. ये बात हो रही है कि आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है कि उसका उसको बाद में आपने अपडेट किया तो पुरानी जो फाइल्स हैं वो अब नए सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर आपने उनको रन करना है उनको आपने यूज़ करना है तो उसके लिए फिर आप वर्जन कंट्रोल का पूरा रिकॉर्ड मेन्टेन करें कौन सी फाइल्स आपने प्रॉपरली नए वर्जन के अकॉर्डिंगली नई अपडेट के अकॉर्डिंगली चेंज कर ली है कौन सी नहीं की ताकि यूजर जो डिफरेंट उसमें इनपुट कर रहे हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए एम्प्लॉय डी बी एम एस डी बी एम एस एक सॉफ्टवेयर है यूज सॉफ्टवेयर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे कहते हैं ये सॉफ्टवेयर होता है मुझे बजाय इसके क्या? आप ओपन फाइल्स के अंदर काम करें सेल्स डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक्सेल की फाइल्स पे काम करके सारा डाटा मेंटेन कर रहे हैं और डाटा शेयर करना तो फ़ाइल्स ही शेयर करनी पड़ती हैं इससे क्या होता है डाटा की डुप्लिकेशन होती है फ़ाइल्स ओवर हो सकती हैं प्रॉब्लम आ सकते हैं तो इसकी बजाय आप आ, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या होता है डी बी एम एस से मुराद डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है तो वो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करें उसमें लॉग इन अकाउंट्स बनवा दें हर बंदा अपने लॉग इन अकाउंट से जाके अपने रेलिवेंट रिकॉर्ड उसमें अपडेट कर ले जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ से उसको एक्सेस कर ले इससे डुप्लीकेशन नहीं होगी कन्फ्लिक्स नहीं आते और हर बंदा अपने सिस्टम पर बैठ के डाटे को एक्सेस भी कर लेता है कंट्रोल भी कर लेता है और फा डाटा वगैरह शेयर भी हो रहा होता है शेयर कैसे हो रहा होता है सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो सर्वर पे इंस्टॉल्ड है सारे बंदे अपने सिस्टम पे बैठ के उसमें जो भी फाइल्स एक्सेस करना चाहें जो भी डाटा एक्सेस करना चाहें अपने सिस्टम पे उसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं डाटा की डुप्लीकेशन जो है उससे बचा जा सकते हैं रूटीनली चेकिंग दी एक्ोरेसी ऑफ स्टैंडिंग डाटा स्टैंडिंग डेटा का मतलब स्टोर डाटा उसकी एक्योरेसी चेक करते रहें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई कन्फ्लिक्स तो नहीं आ गई कोई डाटा डुप्लीकेशन तो नहीं हो गया इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो साथ साथ रेगुलरली चेक करते रहें अवॉइड डाटा डुप्लिकेशन बिस्टोर्ड डाटा ये वही बात आ गई कि डाटा की डुप्लीकेशन को भी चेक कर कि कहीं फाइल्स डुप्लीकेट तो नहीं हो रही एक फ़ाइल अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने आ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पे उनको भेज दी और उनको भेजने के बाद अपने पास भी उनके पास पड़ी हुई है उधर भी चलेगी दो कॉपीज़ बन गई बाद में उन्होंने इसके अंदर कुछ अपडेट्स कर दी उनके पास पुराना डाटा यह वो पुराने डाटा को यूज़ करके अपना प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो इससे क्या होगा डुप्लीकेशन हो गई और फिर उनकी रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती हैं बाद में जो फर्दर अपडेट्स हुई हैं हो सकता है वो भी नेसेसरी हो तो उनको ना पता चली हो तो डुप्लीकेशन से क्या होता है डाटा इनकन्सटेंट हो जाता है बाद में उनको याद ही ना रहे कि हमने उनको फाइल भेजी हुई है वो किस पॉइंट पर भेजी थी उससे बाद हमने कौन सा डाटा ऐड किया है प्रॉब्लम आ सकते हैं वो अगर रिक्वेस्ट भेजी थी हमें लेटेस्ट डाटा भी भेज दें तो इससे फिर क्या हो सकता है कि डाटा के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है शेयरिंग वगैरह के अंदर तो ये कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं इनके जरिए से भी डाटा जो आपके सिस्टम में स्टोर्ड uh, है उनको आप uh, बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट मेरा सेकेंड हेडिंग है यूज़ यूजिंग कोर विंडोज़ सिक्योरिटी फीचर्स विंडोज़ के अंदर भी कुछ सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं कम्प्यूटर के अंदर लॉगिन रेलिवेंट बंदा ही हो ए रेलिवेंट बंदा ना हो इसके लिए लॉगिन अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं uh, और कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है स्क्रीन सेवर के थ्रू uh, जो है वो लॉकिंग की जा सकती है और पासवर्ड वगैरह लगाया जा सकता है इसको हम देखते हैं लॉगिंग ऑन एंड ऑफ एक ही कंप्यूटर है मिसाल के तौर पर सुबह सात बजे से लेकर तीन बजे तक एक बंदा उस सिस्टम पर बैठ के काम करता है तीन बजे के बाद रात तक दूसरे बंदे की शिफ्ट है उसने भी उधर ही बैठ के काम करना है तो बजाय इसके कि एक ही लॉगिन अकाउंट बना के दे दिया जाए उसे पता नहीं चलेगा कि इस सिस्टम के अंदर बैठ के कौन से बंदे ने कौन सा डाटा अमेंड किया है तो अलहदा दो अकाउंट बना दिए जाएँ एक को अपना यूज़र अकाउंट दूसरे को दूसरा उसे वो अपने यूज़र अकाउंट से सिस्टम में कंप्यूटर में एड, इन होगा और सारा डाटा उसके थ्रू ऐड करेगा बैकेंड पे जो रिकॉर्ड्स बनने होंगे लॉगिंग लॉगिंग ऑफ हो रही होगी, होगी डाटा की वो उसके अकाउंट के नाम के थ्रू हो रही होगी कि इस लॉगिन अकाउंट वाले बंदे ने ही ये काम किए फिर सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो बंदा आएगा वो अपने लॉगिन अकाउंट से लॉगिन होगा और उस सिस्टम के अंदर जो करेगा उसके नाम से सारे रिकॉर्ड्स बनने होंगे इस तरीके से दोनों के सेपरेट रिकॉर्ड्स बनेंगे बाद में फिर एवेलुएट करना आसान होगा तो लॉग इन अकाउंट्स बना दीजिए और एक बंदा जब लॉगिन करे जब उठ के जाने लगे उसको लॉग ऑफ करके जाए तो ये विंडो के अंदर फीचर अवेलेबल है ये भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अब लॉगिन कैसे करना है लॉग आउट कैसे करना है इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक किया जाए देखिएगा लॉग ऑफ लॉग ऑफ से क्या होता है ये बात याद रखिएगा दो अकाउंट्स बना लिए एक ही कंप्यूटर के ऊपर दोनों स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं एक बंदा आएगा वो अपने लॉगिन के नाम पे क्लिक करेगा नीचे पासवर्ड एंटर करेगा और इन हो जाएगा जो काम करना है कर लेगा उसके बाद जब उसने कंप्यूटर से उठ के जाना है ताकि दूसरा बंदा काम करे तो उसको चाहिए लॉग ऑफ कर लें लॉग ऑफ करने से क्या होता है उसके सिस्टम के अंदर जितनी भी उसने फाइल्स ओपन की हुई हैं वो सारी की सारी अगर उसने क्लोज़ नहीं की लॉग ऑफ कर दिया वो सारी खुद ही क्लोज़ हो जाएंगी वो सारी खुद ही क्लोज़ हो जाएंगी और वो सिस्टम से अपने लॉगिन अकाउंट से बाहर आ जाएगा सिस्टम चल रहा होगा सिस्टम ऑन होगा उसके बाद दूसरा बंदा जब लॉगिन करेगा अपने अकाउंट से तो अपने अकाउंट के थ्रू सिस्टम में लॉगिन हो जाएगा और फिर अपने उस अकाउंट के थ्रू सारे इवेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं तो लॉग ऑफ होने से क्या होता है कि जितने भी एक्टिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं एक है कंप्यूटर को लॉक करना लॉक करने से एक्टिव एप्लीकेशन सारी रन हो रही होती हैं थोड़ी देर के लिए लॉक किया आप उठ के कहीं चले गए वापस आके फिर पासवर्ड लगा के आप इन होंगे तो अनलॉक करेंगे जब तो सारे सॉफ्टवेयर uh, वगैरह सारी विंडोज़ वैसी एक्टिव होंगी तो लॉग ऑफ से एक्टिव एप्लीकेशन सारी बंद हो जाती हैं लॉक करने से नहीं होती तो आपने साइन आउट करना ये उसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप अपने यूज़र अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद साइन आउट की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें तो बेटा ये आप लॉग लॉग ऑफ कर सकते हैं सिस्टम को इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने आ, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ये ऊपर यूज़र का नाम आ रहा है ये देखिएगा यूज़र का नाम आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे साइन आउट की ऑप्शन अवेलेबल है इस पर क्लिक करने से आप आ, अपने अकाउंट से बाहर आ जाएंगे साइन आउट हो जाएंगे उसके बाद फिर आप दोबारा से भी साइन इन हो सकते हैं यहाँ पे देखिएगा ये स्विच यूज़र की ऑप्शन अवेलेबल है ये नीचे आपको यहाँ पे बुक में बना हुआ नजर आ रहा है ये उस वक्त अवेलेबल होती है जब आपके सिस्टम पे एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट बने हों तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की तरफ स्विच कर सकते हैं इसे फास्ट यूज़र स्विचिंग कहते हैं जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिएगा फास्ट यूजर स्विचिंग में क्या होता है कि आप अपने अकाउंट में बैठे हुए मिसाल के तौर पर आपने ओवर टाइम लगाना है तीन बजे के बाद भी यूज़र ने काम करना है तो दूसरा बंदा भी आ चुका हुआ है तीन बजे वाला वो भी आपके पास आगे बैठे उसने कहा यार मुझे थोड़ी देर के लिए काम करने दो बाद में फिर आप अपना काम मुकम्मल कर लेना तो थोड़ी देर के लिए उसने भी लॉग इन होना है तो आप फास्ट यूजर स्विचिंग के जरिए से आपका अकाउंट भी एक्टिव रहे और फिर आप दूसरी तरफ आप स्विच कर लें <coughs> तो आप फास्ट यूजर स्विचिंग कर सकते हैं लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये उस वक्त यहां पे ऑप्शन अवेलेबल होगी यहाँ पे बॉटम पे, पे जब एक से ज्यादा आपने अकाउंट्स बनाए होंगे इसको पढ़ लेते हैं Uh, this is similar to full log off in that it makes uh, the computer available for another user to log into however uh, with fast user switching windows do not automatically save files that are open because before logging the first user off automatically files save nahi hongi pehle se save karni save kar then switch therefore you should have any open file before switching user uh, switching users as any unsaved data will be lost डेटा को सेव करके फाइल्स को बंद करके फिर आप स्विचिंग करें ताकि डाटा आपका लॉस ना हो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं ये उसने स्विच यूजर की ऑप्शन आपको बताई हुई नेक्स है नेक्स्ट है लॉकिंग द कंप्यूटर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है जब आपने टेम्प्रेरली अपने सिस्टम को छोड़ के कहीं जाना है आप मिसाल के तौर पर नमाज़ की ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं या आप खाने की ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए आपने सिस्टम को बंद करना है और बैकेंड पे जितनी भी आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खोली हुई हैं आप चाहते हैं वो एक्टिव रहें ये ना वो मुझे दोबारा से आके सारा कुछ एक्टिव करना पड़े तो उसके लिए आप वक्ती तौर पर लॉक कर सकते हैं कंप्यूटर को इसके लिए शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके डिलीट की प्रेस करें तो सिस्टम को लॉक करने की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी मैं कर रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट और उसके बाद डिलीट ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन आई है इसमें लॉक करने की ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे स्विच की भी ऑप्शन अवेलेबल है साइन आउट की भी है तो ये लॉक आप यहाँ से कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और आप दोबारा इसके ऊपर पासवर्ड लगा के फिर दोबारा से इन हो सकते हैं ये देखिएगा सारा कुछ एज इट इज़ एक्टिव है सिलेक्ट लॉक दिस कंप्यूटर ये भी आप ऑप्शन कंट्रोल और डिलीट करने के बाद ये लॉक दिस कंप्यूटर लॉक वाली ऑप्शन को आप यूज़ कर लेंगे उसके अलावा नेक्स्ट उस क्वेश्चन ने बताया हुआ कि लॉक की ऑप्शन वही यूज़र के अकाउंट पे क्लिक करके भी अवेलेबल है स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और ये ऊपर यूज़र का अकाउंट और उसमें ये देखिएगा लॉक की ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है <laughs> इसके अलावा अगर आपने लॉक करना है तो विंडोज़ वाला जो की जिसके ऊपर विंडोज़ बनी होती है वो प्रेस करके एल प्लेस करेंगे एल प्रेस करने से भी आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और अनलॉक करने का तरीका बता दिया हुआ है आसान ही आप यूज़ करते रहते हैं ऐसे कि आप यूज़र अकाउंट पर क्लिक करके पासवर्ड लगाएँ एंटर प्रेस कर दें इसके अलावा अपने सिस्टम को आप सिक्योर करने के लिए ये असल में लॉक करने की जो ऑप्शन है ये भी एक सिक्योरिटी है कि आप अपने सिस्टम को वक्ती तौर पे लॉक कर दें ताकि कोई और बंदा उसको एक्सेस आपकी फ़ाइल्स आपके डाटा को एक्सेस करके अमेंड ना कर सके वकती तौर पे आप उसको लॉक करके चलेंगे जिसके पास पासवर्ड होगा ऑब्वियसली वही उसे ओपन करेगा इसके अलावा स्क्रीन सेवर की ऑप्शन है इसके ज़रिए से ऑटोमेटिकली लॉक uh, वाली ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट आप करवा सकते हैं मिसाल के तौर पर आपको पता है कि आप अक्सर भूल जाते हैं लॉक करना तो स्क्रीन सेवर की एक ऑप्शन है ये आप यूज़ करके यूज़ uh, करके तो अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं <coughs> ये स्क्रीन सेवर की ऑप्शन कहाँ पे है uh, मैं आपके सामने इसको डिस्कस कर लेता हूँ अपने डेस्क टॉप में आएँगे उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे पर्सनलाइज लास्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है क्लिक किया ये देखिएगा लेफ़्ट साइड पे ये लॉक स्क्रीन की ऑप्शन है इस पर क्लिक किया राइट साइड पे बॉटम पे आते हैं ये बिल्कुल लास्ट पे स्क्रीन सेवर सेटिंग्स ये मेरे पास नीचे आ रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी ये देखिएगा स्क्रीन सेवर क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव रहे आप कोई भी उस पर एकशन परफॉर्म ना करें तो स्क्रीन के ऊपर एक इमेज जो आप सेट करेंगे वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली और आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी तो आप ये स्क्रीन सेवर जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं इसके ऊपर देखिएगा इस विंडो में यहाँ पर स्क्रीन सेवर के मेन्यू में आप आके कोई भी अभी नन लिखा हुआ है आप कोई भी स्क्रीन सेवर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं थ्री डी टेक्स्ट क्लिक किया तो ये देखिएगा यह आपको इसका प्रव्यू दिखा रहा है इस तरह की एक टेक्स्ट विंडोज़ 10 लिखी हुई ऐसे रोटेट होती हुई आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी नेक्स्ट ब्लैंक भी है कुछ भी नहीं आएगा खाली स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी इसके अलावा डिफरेंट भी हैं थ्री डी टैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और उसके बाद साथ ही सेटिंग्स की ऑप्शन है इसमें आके आप इस टेक्स को भी चेंज कर सकते हैं इसके रोटेट होने की जो ऑप्शन है वो भी आप सेट कर सकते हैं क्लिक किया ये देखिएगा एक थ्री डी टैक्स की सेटिंग्स की एक विंडो बड़ी सी हमारे सामने आ गई यहाँ पर टैक्स लिख दें जो आपने सेट करनी है टाइम भी सेट कर सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर राइस कॉलेज या राइस स्कूल और उसके बाद ये देखिए रेजोल्यूशन में आप इसकी रेजोल्यूशन जो उसकी ब्राइटनेस ही है वो आप सेट कर सकते हैं साइज़ इसका सेट कर सकते हैं और इसके अलावा फ़ोन आपने इसके ऊपर कोई स्पेसिफ़िक अप्लाई करना है यहाँ आके चूज़ फोन वाली ऑप्शन पर वो आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं यहाँ से मिसाल के तौर तो पर हम करते हैं टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड कर दिया और ओके कर दिया इसके अलावा आपने रोटेशन जो वो ऐसे रोटेट हो रही थी वो आपने रोटेशन क्या करनी है डिफरेंट रोटेशन के ऑप्शन अवेलेबल है और भी इसकी रोटेशन की स्पीड आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे आके और ये लेफ्ट साइड पे सरफेस स्टाइल यानी वो जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए सरफेस का ये डिफरेंट तरह के ऑप्शन अवेलेबल है ये सेट करने के बाद आप क्या कर दें ओके ओके किया तो ये उसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा ये आपको नज़र आ रहा है अगर आप इसका प्रीव्यू देखना है फुल स्क्रीन के ऊपर तो ये प्रीव्यू का बटन अवेलेबल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है कि जब आपका स्क्रीन सेवर अप्लाई होगा तो ये इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट रोटेट होती है आ जाएगी और आपका जो डेस्कटॉप है बैक एंड पे जो एप्लीकेशन है वो इनविजिबल हो जाएंगे लेकिन <coughs> इनविजिबल वक्ती तौर पे होंगी कोई आके माउस को किसी की को प्रेस कर देगा तो ये दोबारा से आपकी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी यानी अभी फ़िलहाल ये कोई सिक्योरिटी मैयर नहीं है लेकिन नीचे अगर आप आएँ यहाँ देखें वेट वन मिनट ये टाइम सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे और साथ लिखा हुआ है ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन इस ऑप्शन को आप टिक कर दें तो क्या होगा एक मिनट तक अगर आपका सिस्टम इनएक्टिव रहेगा कोई एक्शन उस परफॉर्म नहीं होगा तो एक मिनट के बाद ये स्क्रीन स्क्रीन सेवर आ जाएगा और क्या होगा जब आप स्क्रीन सेवर को हटाने के लिए कोई भी बंदा आके माउस को कीबोर्ड को टच करेगा तो क्या होगा ऑन रिज्यूम लॉग ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी जिसके ऊपर आपको पासवर्ड लगा के एंटर होना पड़ेगा तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है ये वाला ये वाली जो टिक वाली ऑप्शन है इसको टिक नहीं करेंगे फिर स्क्रीन सेवर जस्ट अप्योर होगा माउस को कीबोर्ड को अटैच करने से वो हट जाएगा और दोबारा से आप जो भी डाटा आपने ओपन किया हुआ वो, वो सामने विजिबल हो जाएगा तो इसको ज़रूर टिक कर देंगे देखिएगा इसको टिक किया ओके किया अप्लाई कर दें ओके कर दें एक मिनट तक सिस्टम इेक्टिव रहेगा इनेक्टिव रहने से फिर यही स्क्रीन सेवर ऐसे विजिबल हो जाएगा और जब आप माउस को हिलाएंगे या की प्रेस करेंगे तो लॉग इन स्क्रीन जो आपकी जिस पर आप पासवर्ड लगाते हैं यूज़र नेम के नीचे वो सामने आ जाएगी पासवर्ड लगा के फिर आप इन हो सकेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक मिनट के बाद आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा इस ऑप्शन के थ्रू तो बेटा ये भी एक सिक्योरिटी का फीचर बन जाता है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लॉक करना अक्सर भूल जाते हैं तो फिर आप ये ऑटोमेटिक लॉक वाली ऑप्शन स्क्रीन सेवर वाली आप यूज़ कर सकते हैं ये डिटेल से डिस्कस किया गया यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन है चेंज योर विंडोज़ पासवर्ड विंडोज़ का जो लॉगिन पासवर्ड है उसे आप रेगुलरली uh, चेंज करते रहें ये ना हो कि किसी को पता चल जाए और फिर वो आपके लॉगिन अकाउंट से आपके डेटे को आपकी फाइल्स को डिस्टर्ब uh, करें तो ये पासवर्ड चेंज करने के डिफरेंट मैथड्स बताए हुए हैं पहला मैथड क्या है कंट्रोल ऑल डिलीट वही लॉक करने वाली जो ऑप्शन वो आप प्रेस करें उसमें चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है कंट्रोल ऑल डिलीट कर रहा हूँ ये देखिएगा चेंज ऑफ पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे तो ओल्ड पासवर्ड लगाएं नया पासवर्ड लगा दें फिर कंफर्म कर दें और इस पर क्लिक कर दें वापस आते हैं मेथड नंबर टू मेथड नंबर टू है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें फिर यूजर ऑप्शन पर जाएं और चेंज अकाउंट सेटिंग की जो ऑप्शन है उसमें आके पासवर्ड की ऑप्शन पर चले जाएं। तो ये देखिएगा स्टार्ट बटन पे ये ऊपर यूजर चेंज अकाउंट सेटिंग्स इसमें आके तो यहां पे अगर आप देखें तो पासवर्ड की ऑप्शन आपको मिल जाएगी बुक में देखिएगा कहां पे लिखा हुए पासवर्ड इन साइन इन ऑप्शन सिलेक्ट पासवर्ड इन साइन इन ऑप्शन क्लिक चेंज साइन इन ऑप्शन इस पर क्लिक किया ये साइन इन ऑप्शन आ गई और उसके बाद देखिएगा पासवर्ड यहां से आ गया आप चेंज कर सकते हैं ये जैसे आप कंट्रोल और डिलीट के ज़रिए से करेंगे वैसे यहाँ पे आप आगे चेंज करेंगे और पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे हैं करंट पासवर्ड लगाएं फिर उसके बाद नेक्स्ट करें और नेक्स्ट करने के बाद न्यू पासवर्ड और कंफर्म वगैरह कर दें इसके जरिए से भी आप कर सकते हैं ये दोनों मेथड यहाँ पर लिखे हुए हैं <coughs> you कर इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड इट कैन बी री सेट बाई वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स पासवर्ड अगर आप भूल जाएँ तो उसके मैथड्स लिखे हुए हैं कि आप कैसे रीसेट करेंगे लॉग इन अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट वो होता है जिसके से आप कंप्यूटर के अंदर सारी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं उस अकाउंट uh, के थ्रू फुल कंट्रोल uh, होता है सिस्टम uh, का <coughs> यह आमतौर पर आई का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास होगा वो आपको ये करके देगा एंड रीसेट द पासवर्ड फॉर द रेलिवेंट यूजर अकाउंट आपको पासवर्ड भूल गया आप लगा रहे हैं नहीं लग रहा आप आई मैनेजर के पास जाएँ <coughs> वो क्या करेगा आपके सिस्टम को <coughs> सॉरी आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के जरिए से मेन अकाउंट के जरिए से उसके जरिए से जाके फिर आपका पासवर्ड सेट कर देगा यहाँ यही बात लिखी हुई है इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ पासवर्ड रीसेट डिस्क फॉर द अकाउंट और द पासवर्ड री सेट इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन यू एस फ्लैश ड्राइव ये पासवर्ड लगाते वक्त आप पासवर्ड रीसेट डिस्क शुड बी क्रिएटेड वैन यू फर्स्ट सेटअप योर कंप्यूटर जब फर्स्ट कंप्यूटर के अंदर आप लॉग अकाउंट वगैरह बनाते हैं उस वक्त ये ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं ये भी आईटी डिपार्टमेंट ही करेगा यूएसबी या फ्लैश ड्राइव के Note that, uh, note that data नोट दैट नोट दैट may be lost if द administrative अकाउंट हैज बी be टू to reset द पासवर्ड Unsaved फाइल्स वगैरह हैं कुछ तो वो सारी की सारी loss हो जाएंगी अगर पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू जाके आप चेंज करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस चैप्टर रिव्यू के अंदर वही बातें कि हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया बेसिक कंप्यूटर की सिक्योरिटी इंटरनेट से क्या प्रॉब्लम आ सकता है फिर उसके उसको सेव करने के लिए सिक्योर करने के लिए आपको डाटा को सेफ करना पड़ेगा ई मेल यूज पॉलिसी बनाएँ इंटरनेट यूज पॉलिसी बनाएँ अदर कुछ कंट्रोल्स लगाएं लॉगिंग ऑफ करें यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें फिर विंडोज़ के जो फीचर्स हैं पासवर्ड के लॉक log के लॉगिन लॉग ऑफ के वो आप यूज़ करके अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं अब नेक्स्ट सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन हैं बेटा इनकी डिस्कशन हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन ओड वन का मतलब अजीब

इंटरनेट इज़ अ रिस्की एरिया इससे रेलिवेंट कौन सी ऑप्शन uh, नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है नंबर वन हार्वेस्टिंग एंड सेलिंग ई मेल एड्रेस एंड पासवर्ड्स ऑबियसली इंटरनेट रिस्की एरिया है और कंप्यूटर हैक हो जाता है और उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है हार्वेस्टिंग एंड सेलिंग ई मेल एड्रेस एंड पासवर्ड्स हैकर ये काम कर सकता है ये हमने वहाँ पढ़ा हाइडिंग प्रोग्राम्स दैट लॉन्च अटैक्स ऑन अदर कंप्यूटर्स ये भी हमने वहाँ पढ़ा कि किड कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम भी आ सकते हैं फेवरेबल पब्लिसिटी बेटा एडवर्स पब्लिसिटी हमने पढ़ा था कि बिज़नेस की जो पब्लिसिटी है मार्केट के अंदर जो उसका नाम है वो ख़राब हो सकता है उसकी आ, जो एक बदनामी जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है फेवरेबल पब्लिसिटी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं है ये रेलिवेंट नहीं है ऑप्शन इन ये आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर सी बनेगा इन्फेक्टिंग ऑफ अदर सिस्टम्स ये भी प्रॉब्लम है हैकिंग अगर कोई सिस्टम हैक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी आ सकता है असल में उसने पूछा क्या हुआ था कि हैक कंप्यूटर में आ, जो इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो नहीं आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन बिजनेस इंटरनेट यूजेज पॉलिसी बिजनेस की जो इंटरनेट यूजेज पॉलिसी के जो पॉइंट्स हमने पढ़े तो आपने बताना कौन सी इसमें से पॉलिसी नहीं है लिमिटिंग इंटरनेट यूज टू बिजनेस पर्पज़ ऑनली ऑब्वियसली ये है <laughs> नोटिफ़िकेशन ऑफ द एबिलिटी टू ट्रैक इंटरनेट यूजेज ये भी पॉलिसी का एक पार्ट है कि हम नोटिफिकेशन uh, दे दें कि आप जो भी इंटरनेट यूज़ करेंगे उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनना होगा ताकि एम्प्लॉज़ जो हैं वो आ, आपकी पॉलिसीज़ को फॉलो करें प्रोहिबिशन ऑफ डाउनलोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ये भी यूज इंटरनेट यूज पॉलिसी है कि हम उनको बता दें कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो हैं प्रोग्राम फाइल्स वग़ैरह जो ख़ुद ही डाउनलोड होते इंस्टॉल हो जाती हैं उसको एम्प्लॉज़ uh, डाउनलोड uh, ना करें कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंप्लाइंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंप्लाइंस बेटा ये कंप्लाइंस का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा हमारी इंटरनेट यूज पॉलिसी को फॉलो करेगा तो उसको तो कोई कॉन्सिक्वेंस कोई नतयज नहीं उसको फेस करना पड़ेंगे जो नहीं करेगा उसको प्रॉब्लम्स uh, आ सकती हैं उसको कंपनी की तरफ से डिफरेंट तरह की पेनल्टीज या एक्शन बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कम्पलाइंस नहीं बल्कि इनकम्प्लाइंस जो है वो पॉलिसी है ये पॉलिसी नहीं है तो ये आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग डज नो डिस्क्राइब अ मेथड फॉर सेफ गार्डिंग स्टोर डाटा स्टोर डाटा को सिक्योर uh, uh, करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हमने जो आखिर में पढ़े थे लॉगिंग ऑफ के बाद उसमें एम्प्लॉइंग डी बी एम एस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को एम्प्लॉय किया जाए यानी यूज़ किया जाए तो ये बिल्कुल एक मेथड है रूटीनली चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडिंग डाटा ये भी हमने वहाँ पढ़ा अवॉइडिंग डुप्लीकेशन डाटा डुप्लीकेशन तो ये भी एक सेफ गार्डिंग मैयर है एम्प्लॉइंग एंड एम एस डी बी ये कोई टर्म नहीं है तो ये आंसर बनेगा विच विंडोज शॉर्टकट एनेबल्स यूजर्स टू स्विच बिटवीन यूजर अकाउंट विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर तो कौन सी शॉर्टकट है जिसको यूज करके यूजर्स को हम स्विच कर सकते हैं तो बेटा हमने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट जो ऑप्शन ए के अंदर ही लिखी हुई है ये हमने वहाँ पढ़ी और यूज़ भी की क्वेश्चन नंबर फाइव वट वाज द ओरिजिनल पर्पज़ ऑफ स्क्रीन सेवर्स बेटा इसको जरा समझ लीजिएगा स्क्रीन सेवर्स का ओरिजिनल पर्पज़ क्या है एक तो हम यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये इसका सेकेंडरी पर्पज़ आप कह लें लेकिन मेन इसका ओरिजिनल पर्पज़ जिस परपज़ के लिए ये फ़ीचर ऐड किया गया था स्क्रीन के अंदर <coughs> इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो कम जो मोनिटर है जो डिस्प्ले यूनिट होता है पुराने ज़माने में जब होता था तो उसकी स्क्रीन को बर्न होने से बचाने के लिए स्क्रीन सेवर ऐड कर दिया जाता था उससे स्क्रीन क्योंकि बैकेंड पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जो स्क्रीन आपको डिस्प्ले कर रही है डिफरेंट तरह की इमेजेस और डिफरेंट तरह के कलर्स वो स्क्रीन बैकेंड पे जो लगी होती है वो उसकी वो इस्तेमाल होने से उसकी लाइफ कम हो रही होती है तो उसकी लाइफ को कम होने से बचाने के लिए फिर स्क्रीन सेवर ऐड कर दिया जाते थे ताकि स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह जो इस्तेमाल हो रही है वो ज़रा कंट्रोल हो जाए तो ये आंसर ये बनेगा टू सेव ओल्डर मोनोक्रोमेटिक मोनीटर्स फ्राम डैमेज मोनीटर्स को जो पुराने मोनीटर्स थे मोनोक्रोमेटिक इसे कहते हैं सिंगल कलर ब्लैक एंड वाइट जैसे होते थे तो उनको सेव करने के लिए ताकि वो बर्न हो के हीट होकर उनमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो उसके लिए स्क्रीन सेवर्स अप्लाई किए जाते थे ये मेन इनका ओरिजिनल पर्पज़ था आजकल इसको इस परपज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए लेकिन उसने मेन पर्पज़ पूछा हुआ है ओरिजिनल वो ये बनता है क्वेश्चन नंबर सिक्स द कमांड थ्रू विच ऑल प्रोग्राम्स आर क्लोज वो कौन सी कमांड है जिसके जरिए से सारे एक्टिव प्रोग्राम्स एप्लीकेशन वगैरह क्लोज हो जाती हैं बट कंप्यूटर इज नॉट टर्न ऑफ एंड मे बी अवेलेबल टू अनदर यूज लेकिन कंप्यूटर ऑफ नहीं होता तो बेटा लॉग ऑफ के जरिए आप ये काम कर सकते हैं कंप्यूटर को लॉग ऑफ करेंगे तो उस लॉगिन अकाउंट में जितने एक्टिव एप्लीकेशन होंगी वो सारी बंद हो जाएंगी लेकिन कंप्यूटर ऑन रहेगा कोई दूसरा बंदा आके अपने लॉगिन अकाउंट से उसे ओपन कर सकता है क्वेश्चन नंबर सेवन ये बाकी ऑप्शन नहीं है शट डाउन से शट हो जाएगा बंद हो जाएगा री करने से और री वाली ऑप्शन को यूज़ करने से बंद होने के बाद दोबारा एक्टिव हो जाएगा ये रेलिवेंट नहीं बनती स्टैंड बाई की ऑप्शन पुरानी विंडोज़ में थी स्क्रीन सेवर इज़ अ कॉमन सॉफ्टवेयर इन यूज बाय मेनी कंप्यूटर ऑपरेटर स्क्रीन सेवर कैन ऑल्सो बी यूज कैन ऑल्सो बी यूज तो अप्लाई पासवर्ड प्रोटेक्शन ये अभी हमने देखा कि स्क्रीन सेवर के जरिए से हम कंप्यूटर को कैसे लॉक कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह के जरिए से एनक्रिप्ट डाटा डेटा को सिक्योर एंड एनक्रिप्ट करने का मतलब होता है डाटे को नजर ना आने देना सिक्योर कर देना तो एनक्रिप्ट डाटा इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता बल्कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव पासवर्ड प्रोटेक्शन अप्लाई करना होता है रिस्ट्रिक्ट सम एरियाज़ ऑफ स्टोरेज समे स्टोरेज डिवाइस वगैरह को ऑब्वियसली सिक्योर uh, नहीं करता बल्कि पासवर्ड प्रोटेक्शन आपके सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर देते हैं इनक्रिप्ट डेटा का मतलब बेटा याद रखिए इनक्रिप्ट डेटा का मतलब होता है पासवर्ड डेटा को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड अप्लाई करना या उस डेटे को हाइड कर देना या उसकी डेटा uh, की शक्ल को चेंज कर देना ये सारी बातें इंक्रिप्शन में आती हैं लेकिन जो स्क्रीन सेवर है उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो अप्लाई कर देना नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट यू कैन हेल्प कीप योर कंप्यूटर सिक्योर बाय चेंजिंग योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पासवर्ड रेगुलरली यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो अस्ट्रॉग पासवर्ड मे कंटेन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के मतलब आपसे पूछा हुआ है कि उसमें क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए लोअर अपर केस ऑफ अल्फाबेट्स जैसे कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए सम डिजिट्स लाइक जीरो वन स्पेशल करेक्टर्स लाइक दिस ऑल ऑफ अबव आंसर बनेगा कि ये सारी चीज़ें मिल के अगर आप इनको इनके कम्बिनेशन से पासवर्ड बनाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा कंप्यूटर सिक्योरिटी इन कारपोरेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड द डाटा दैट इज स्टोर और असैस देयर इन अ पर्सन हु गेंस अनऑथोराइज एक्सेस टू अनऑथोराइज एक्सेस इज टर्म्ड as वो बंदा जो किसी भी कंप्यूटर की अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर लें उसे हम क्या कहते हैं हैकर कहते हैं ये भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि हैव कंप्यूटर क्या होता है जिसको अनऑथराइज्ड वे में कोई एक्सेस कर लें तो एक्सेस करने वाले को हैकर कहते हैं इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वायरस वायरस क्या होता है तो मैंने बेटा इसको डिस्कस किया कि वायरस क्या होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डाटा को प्रॉब्लम कर सकता है डाटा की डिस्ट्रक्शन कर सकता है उसकी कॉपीज बना सकता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ सकते हैं तो वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है तो ये आंसर बनेगा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर द स्पाईवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेल्प फॉर स्पाईफेयर के मतलब भी बताया था कि ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है और ये इंस्टॉल होने के बाद क्या करता है आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन कॉपी करके रेलीवेंट कंपनी को भेजता रहता है तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कॉपिंग इन्फॉर्मेशन बेटा यहाँ तक हमारी डिस्कशन है चैप्टर नंबर थ्री भी अलहमदल आपका कंप्लीट है और ये आपके सिलेबस का वाइंड अप है अलहमदिल्ला यानी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हुआ है एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट उसके बाद स्टार्टिंग थ्री चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं बेटा सारे सिलेबस को आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करें इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ भी आपने करना है और इसमें इस चैप्टर में या प्रीवियस किसी भी चैप्टर टॉपिक में आपको कोई इशू हो तो फिर आप पोस्ट कीजिएगा इन शाम हम साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक है आपका तो उसको आप अच्छे तरीके से खुद से अंडरस्टैंड करें लेक्चर्स आप दोबारा से देख सकते हैं आपके पास अवेलेबल हैं और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप शेयर कर सकते हैं इन शाम हम उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रेलिवेंट जो क्वेश्चन बैंक है उसे भी आप अटैम्प्ट करें और उसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 2020 का कम से कम या 25, 30 क्वेश्चंस का ग्रुप बना के पहले आप खुद से उन्हें अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस को उन्हें खुद से सॉल्व करें आंसर आइडेंटिफाई करें फिर एंड पे आपने क्या करना है एक ही दफ़ा आंसर्स को मैच करके वैल्यूट करना है कौन से आंसर आपके ठीक है कौन से गलत हैं इससे आपकी एग्जाम प्रैक्टिस होगी इन बेस्ट ऑफ लक बहुत शुक्रिया